आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कुछ दिलकुश पारकटरा प्रयागराज में लगभग 200 परिवार को राहत सामग्री वितरण किया। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने क्षेत्र गरीब व असहाय जनता को राहत सामग्री देते हुए कहा कि मैं बराबर आपके बीच में इसी तरह राहत सामग्री मुहैया कराता रहूंगा, साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भूखा ना सोए। साथ ही कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और सामाजिक दूरी बनाए रखें और हर समय मतलब वे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हर्षवर्धन विधायक वाजपेयी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में धैर्य रखिए, हम हर वक्त आपके साथ हैं। प्रयागराज से अनवर खान की रिपोर्ट। देखिए, ये अब लॉकडाउन 3 चल रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को लॉकडाउन 1 से ही कर रहे हैं। हम लोगों का एक स्ट्रेटजी थी, सबसे पहले तो हम लोगों ने उनको किया जिनका जब तक सरकार का एफर्ट शुरू नहीं हुआ था फ्री अनाज देने का राशन की दुकानों से, ये उस उपदेश से शुरू हुआ था कि तब तक के लिए लोगों को राहत दे दें। अब हम लोग का टारगेट ये है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं उनको सरकार से जो मदद हो रही है उसके साथ साथ हम लोग भी अपनी तरफ से उनको सहयोग करें इस बुरे वक्त में, क्योंकि इस बुरे वक्त में जितना भी हम लोग मदद कर सकते हैं गरीबों की वो कम है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरे अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं रुक गई है। आपने देखा कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, जो सबसे सबसे पहले आने वाला आंकड़ा होता है किसी भी महीने का अर्थव्यवस्था का, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का 25 पे आ गया, जबकि 50 के नीचे कोई भी फिगर हो तो बुरा माना जाता है, वो 25 पे आ गया। और जो सर्विसेज वाला फिगर था वो 2 पे आ गया, तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी रुक गई है। तो ऐसे वक्त में लोग अपने रिजर्व पे ही जी रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कमाया है, जो थोड़ा बहुत रखा है कहीं, तो उसमें जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो कम है। इस पे ना डिपेंड करके कि केवल सरकार कर रही है, जो सरकार तो कर ही रही है भारी मात्रा में सहयोग, लेकिन हम लोगों ने कहा अपनी तरफ से विधायक कार्यालय की तरफ से भी सहयोग होना चाहिए। और हम लोगों ने BPL मोहल्लों को पहले टारगेट किया है, जहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी 50% से ज़्यादा है, पहले हम लोग उन मोहल्लों को टारगेट कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन 1 से कार्यक्रम चल रहा है, लॉकडाउन 2 में भी चलता रहा, लॉकडाउन 3 में अब चल रहा है और आगे का भी कई हफ्तों का हम लोग का कार्यक्रम अभी फिक्स है, जो हम लोग BPL जो मोहल्ले हैं पहले उनको कवर करेंगे, फिर जो मिडिल क्लास के मोहल्लों में भी BPL पॉकेट्स हैं फिर उनको हम लोग कवर करेंगे। कोरोना के नाम पर जो लोगों में भय है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस पे बार बार सीनियर डॉक्टर्स ने भी कहा है, एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा है, वर्ल्ड में भी कह रहे हैं कि याद रखिए कि चांसेस ऑफ फेटेलिटी, डेथ की चांस लेस देन 5% है। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि हर साल डेंगू का अटैक होता है इस शहर में, हर मोहल्ले में कुछ डेथ्स होती हैं, हर मोहल्ले में। अभी तक प्रयाग में लोगों को तो कई हुआ है, अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन डेथ एक ही हुई है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये अगर फेटेलिटी का मामले तो डेंगू ज़्यादा खतरनाक है एक तरीके से। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि गन शॉट वूंड में आदमी घाव से कम मरता है, शॉक में ज़्यादा मर जाता है, तो इसलिए इतना बड़ा उसको हुआ ना माने, अगर सारी सेफ्टी रखें, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो गया है या आपको लगता है आपको कोरोना हो गया, तो ये इसका मतलब ये नहीं है, ये कोई एड्स नहीं है कि ये मरना निश्चित है। ये 95% के ऊपर चांस है कि आप रिकवर कर जाएंगे, 95 के ऊपर चांस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल